बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला अली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम नकामतुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला अली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला इब्राहीम नकामतुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरी प्यारे फैंस, मेरी सब सहेलियाँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियोज़ लाइक करते हैं। आप आज सोच रहे होंगे मैं बड़ी दुल्हन बन के कहाँ जा रही हूँ, तो मैं इस वक्त, आप मेरी ये पिक्चर भी देख सकते हैं पीछे, मैं इस वक्त हूँ बबलू के सैलून में और बहुत अच्छे के बाद मैं एक ईद का शो होस्ट करने जा रही हूँ आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी और बिकॉज आपको पता है जब से आई हैव रिवर्ट बैक टू इस्लाम तो किसी को मुझ में इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज मैं हिजाब के साथ या अबाया के साथ ये प्रमोशन करना नहीं चाहते थे कोई चैनल्स। लेकिन मुझे समा टीवी टेलीविजन से कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारी ईद का शो जो है वो बिलाल कुतुब साहब के साथ को होस्ट करें, जो कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है बिकॉज मेरे बड़े फेवरेट स्कॉलर हैं। तो फिर मैं एक्साइटेड भी थी, मैं थोड़ी नर्वस भी थी बिकॉज एक साल के बाद होस्टिंग करी हूँ और अब मैं एक नई नूर हूँ, बिकॉज मुझे लगता ही नहीं वो पुरानी वाली नूर हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा अच्छा, फिर अब मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो मुझे प्रोफेशनल मेकअप कराना चाहिए, और जब भी प्रोफेशनल मेकअप की बात आती है तो शुरू से आई ऑलवेज़ कम टू बबलू सैलून, और वैसे तो बबलू मेरा मेकअप करते हैं क्योंकि, लेकिन अब मैं ज़रा इस्लामी ज़रा ज़्यादा हो गई हूँ तो मैंने उनकी सिस्टर से मेकअप कराया है और उन दोनों का हाथ बिल्कुल सेम है। और ये आपको सैलून का ज़रा दिखाती भी हूँ कि कितना खूबसूरत सा सैलून है, और मेकअप आपने मेरा देख लिया। अभी मैं आपको अंबर से भी मिलाऊँगी, अभी वो ऊपर गई हैं, फातिमा भी साथ आई हैं हमारे, और आज हमारी ये देखिए यहाँ पर होता है ये मेकअप, दिस इज ऑल हिज मेकअप, दीज आर द मिरर्स ब्यूटीफुल, और ये हमारा ये सिटिंग एरिया है। ऊपर जो है पहले मैंने ब्लो ड्राई कराया था, ऊपर वाला ऊपर एक पोर्शन है जिसमें बाल होते हैं सारी चीज़ें, और ये देखिए यहाँ पर मोस्टली ब्राइड्स आके वेट कर रही होती हैं और दुल्हन बन के जाती हैं। और मेकअप आप मेरा भी देख सकते हैं, रूबी वू रेड लिपस्टिक लगाई है मैं, आई वॉन्टेड टू मेक द ट्यूटोरियल इज़ वेल ड्यूरिंग द मेकअप, लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी ज़रा पहुँचना था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा जब कराऊंगी तो ज़रूर बनाऊंगी। सो आई होप यू लाइक द मेकअप। आज मैं आपको इस आज की वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि हम बिहाइंड द सीन कैसे काम करते हैं। जब मैं सेट पे भी जाऊंगी तो मैं आपकी मुलाकात कैमरामैन से भी कराऊंगी, अपने सारे आर्टिस्टों से भी कराऊंगी किस तरह से हम शूट करते हैं। ये पीछे बबलू सैलून की सारी लड़कियाँ हैं जो टहल पहल कर रही हैं, जो हमें सर्विसेज देती हैं बहुत अच्छी देती हैं, और अगर आपने अभी तक बबलू से मेकअप नहीं कराया तो बिलीव मी आपने कहीं से मेकअप नहीं कराया। सो स्टे ट्यून, आई विल बी शोइंग यू कि आज मैं जो है बहुत अरसे के बाद काम पे जा रही हूँ और मैं किस तरह से काम करती हूँ और हमारा क्या रूटीन होती है वो आपको आज दिखाती हूँ। स्टे ट्यून। सो आई एम ऑल सेट टू गो टू द सेट, और मैंने रेड कलर का स्कार्फ पहना है और मैंने वाइट कलर का अबाया पहना है, आप देख सकते हैं, और मैं आपको फुल शॉट भी जब सेट पे पहुँचूँगी लाइट्स के साथ दिखाऊँगी। बहुत खूबसूरत मेकअप बबलू ने किया है, और ईद के मुनासबत से मैंने वाइट क्योंकि मुझे पसंद बहुत है, और मैंने सोचा डिफरेंट पहनते हैं, ब्लैक नहीं पहनते, रेड मैंने उसके ऊपर स्कार्फ लिया है। सो आगे भी आपको स्टूडियो जाके दिखाती हूँ। जी जनाब, हम आ गए समा के ईद के शो के सेट कर के ऊपर, और एज यू कैन सी मैंने रेड स्कार्फ पहना हुआ था, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि नहीं ये आपकी जो है प्रॉपर से मैच कर रहा है, इसलिए आपको अपना ये हिजाब चेंज करना पड़ेगा। मेरी एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं, और इधर ही है हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ज़रा हम उनकी तरफ चलते हैं। राव शाहिद साहब माशाल्लाह, वी बीन वर्किंग टुगेदर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वाहिद शेख फिल्म है जो पिछले एक साल से मेरे साथ कांटेक्ट में है, वरना बाकी सारे चैनल्स ने मुझे खुदाफिस कर दिया है क्योंकि मैंने हिजाब पहना है। नहीं नहीं, हमारा मानना ये है कि अगर आपने हिजाब कर लिया है तो ये जो आपका ड्रेस है उससे प्रोफेशनल लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मशाला आप जितनी टैलेंटेड हैं तो तमाम चैनल्स को चाहिए कि आपके टैलेंट को इस्तेमाल करें और आपसे शोज करें। ऐसा कम लोग सोचते हैं, बट द क्रेडिट गोज़ टू समा, आई एम वेरी थैंकफुल टू समा कि वो इतना पॉजिटिव सोचते हैं, और मैं मेरा भी मकसद यही है कि हम पॉजिटिव इम्पैक्ट दें कि दीनी दीन को और दुनिया को साथ लेकर आपने किस तरह चलना है, और आप सब भी अबाया पहन के हिजाब पहन के इतनी खूबसूरत लग सकते हैं क्योंकि शायद मैं लगती हूँ। सो स्टे ट्यून, मैं आपको स्टार्स में मिलाती रहूँगी और इंशाल्लाह ये देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे हुआ। ये हमारे गेस्ट हैं, सब खाना में मसरूफ हैं। बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, रेशम इब्राहिम, रूज नासिर, अहमद,
और ये हमारा क्रू, आप कैमरा क्रू देख सकते हैं पीछे, थोड़ी ब्रेक चल रही है इस वक्त और ये खाने की ब्रेक में हम शूट कर रहे हैं।